नमस्कार गस न्यूज रूम लाइव सहित विकास आपण स्वागत करुच्छी। राजधानी दिल्ली एवं आतंकी टार्गेट में एने एक बड़ खबर आसुची राजधानी दिल्ली जोटि की दिल्ली स्पेशल सेल टीम एवं गोटे आतंकवादी को धरती जार लिंक रही आईएसआई सहित ये पाकिस्तानी आतंकवादी आसी दिल्ली में रोला और ये भारतीय ना नहीं भारतीय पासपोर्ट नहीं आ पाखे भारतीय परिचय पत्र कहुच्छा दिल्ली स्पेशल सेल डीसीपी प्रेसमिट कर सूचना दे एक दशंधि अधिक समय धरी ये भारत विभिन्न स्थान में रही आसूम ये जड़े स्लीपर सेल बोली कहुची आपड़ जानते दर्शक बंधु स्लीपर सेल ताक कहुए जे पाकिस्तान पठाई थाए ये भारत में रुहती छद्म नाम नहीं रुहती परवर्त समय ये जिते कहुए टार्गेट को डिस्ट्रॉय करने को ऑर्डर आसे सीमा सेपटू से टार्गेट करती बड़ अपडेट जहाँ आसूरी राजधानी दिल्ली में बड़ धमाका करने कि बड़ योजना होता है दिल्ली स्पेशल से कि बड़ ऑपरेशन करता जिते बी एक आईएसआई टेररिस्ट आईएसआई हैंडलर धरा पड़ी जहाँ धरी दिल्ली स्पेशल सेल एने दिल्ली डीसीपी कौन कहते स्पेशल सेल आसत नजर पकड़ा बड़ खबर आसूच आतंकवादी टार्गेट रे राजधानी दिल्ली दिल्ली आज जन पाकिस्तानी टेररिस्ट गिरफ होता नहीं बड़ सूचना रही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लक्ष्मी नगर अंचल आतंकवादी को गिरफ्त कर आतंकवादी भारतीय नागरिक फेक आईडी सह भारत में रोला ता निकटू एके 47 राइफल बा 74 एवं जी सूचना मिल पारिना जे राइफल कितु बरामद होता सहित हैंड ग्रेनेड बोमा कि जबत हो 50 राउंड दुईट पिस्तल जबत होता सहित अनेक अस्त्रशस्त्र जबत होती दिल्ली स्पेशल सेल डीसीपी प्रेसमिट कर अनेक सूचना देखते कि समय पर नजर पकड़ा कि बड़ अपडेट जहाँ आसूँ ये एक दशंधि अधिक समय धरी भारत में रोला और बड़ कथा है ये बिहार में भारतीय नागरिक परिचय पत्र पाइबापी बहुत कर सूचना आसूरी एक भारतीय महिला को बहुत करवाहर दुई वर्ष पर सी छाड़ा यापर से दिल्ली में जा रोला दिल्लीर दुईट अंचल रोकवा नहीं गतिविधि नहीं गुईंदा अपडेट मिलवा पर दिल्लीर स्पेशल सेल पक्षर बड़ अभियान करार करने ये एक मौलाना परिचय नहीं कि रोला और सेठे धर्मांतरीकरण करवा नहीं कि बड़ अभोग आसी दिल्ली स्पेशल सेल पक्षर यह कहुच्छा अधिक आलोचना करवा सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कमलाकांत दास जोड़ जाते सुप्त दास आपको स्वागत करुच्ची ये बड़ खबर आसूरी राजधानी दिल्ली में बड़ धमाका करने को प्लां था आईएसआई हैंडलर धरा पड़ी और कहुच्छ ये जड़े स्लीपर सेल एवं दिल्ली रे अफगानिस्तान प्रसंग रे भारत बेसी जेतेबेले यार प्रभाव पकाउची विश्व रे से नेके आवाज उठा जाउची दिल्ली रे बड़ आतंकवादी हमला पई कि प्लान होउची काश्मीर रे मध्य सेई भली गत सप्ताह मध्य रे हलचल होउची केम देखछन पूरा घटनाक्रम को देखन तो पाकिस्तान रो प्रथम उद्देश्य थिला कि भली भाबरे अफगानिस्तान रो भारत रो प्रभाव को कम करिवा ताहा पाकिस्तान एक प्रकार रो सफलता रो सहित अचीव करि पारी दुई नंबर होउची जेते बेले अफगानिस्तान कंट्रोल बाहर केबे जाउची सेते बेले कंट्रोल परिपार नहीं अफगानिस्तान रो समस्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानंकु किछु ऑर्गेनाइजेशन जे पाकिस्तान अंडर रे काम करथिन तांकर आउट टारगेट थिला काबुल अफियार कर सरला परे कश्मीर रे उत्तेजना सृष्टि करबा एवं भारत रे उत्तेजना सृष्टि करबा आमे द्वितीय रे देखिथिलु जे किभली भाबरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर रो बॉर्डर पाखे रे पाकिस्तानी सेना एवं आतंकवादी मैंने पुरवा आरंभ करते अगस्ट 15 तालिबान टेक ओवर परे परे तेणु विगत दुई मास भीतर ये जो घटना चली कश्मीर ठू आरंभ कर भारत विभिन्न जगार जो लुचि छपी तो दिल्ली कहीं दिल्ली को कहीं टार्गेट करें बड़ कारण पे केवल दिल्ली नुहे केवल आपड़ी कहले बिहार भी हो पारे उत्तर प्रदेश भी हो पारे ओडिशा भी आपड़ देखी कि भाव में डीआरडीओ रु तथ्य संग्रह करने की कार्य कराला तेणु सारा भारत वर्ष से जो लुचि छपी रही कार्य करते जहाँ को आम इंग्राजी स्लीपर सेल भी कहू तेणु स्लीपर सेल को आउ थे आक्टिवेट करेट रर्थ है जे पाकिस्तान सबुआड़ू हारीगला एकम्र रास्ता बाकी रही भारत भितरे रोकवा तार स्लीपर सेल ट्रेन होता लोक आईएसआई रोक आतंकवादी मान कि आतंकवादी घटनाक्रम कर भारत को डरे रखे है प्रथम कार्य तेनाली भाव में दिल्ली उपर आक्रमण करवा मुंबई उपर आक्रमण करवा निश्चित भाव में भारत पाई एक बड़ समस्या विश्व पाई एक संदेश जे भारत राजधानी उपर आम आक्रमण कर भारत सर्वश्रेष्ठ पुलिस ऑफिसर आर्मी ऑफिसर जो रोचे आक्रमण कर
ଆମେ ମେସେଜ ଦେଇ ଦେଇ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ଲାନ ପଛରେ ଆଇଏସ୍ଆଇର ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ହାଣ୍ଡେଲର ଭାରତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏ ଭାରତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଭାରତରେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ସହିତ ରହୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଇକି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା ନାଁ ପରିଚୟ ଆସିଛି ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ମହମ୍ମଦ ଅଶ୍ରଫ ଯାହା ଅଲି ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଯେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ତା ନାଁ ନୁରି ଥିଲା ତା ସହିତ ଏହି ବିହାରରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବିବାହ ପରେ ଇଏ ସେଠାରୁ ପୁଣି ବିହାରରୁ ନେପାଳ ପଳାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେପଟୁ ପୁଣି ଆସିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ୟା ପାଖରୁ କ'ଣ ବରାମଦ ହୋଇଛି କୁହାଯାଉଛି ଜାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ୟା ପାଖରୁ ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋମା ମଧ୍ୟ ୟା ପାଖରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଇଏ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସେ ଯାହା ଡିସିପି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ମିଳୁଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏ ନେଇକି ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁତ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧମାକା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଆଇଏସ୍ଆଇର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ବିଜୟଦଶମୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମେନ୍ ମେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର୍ସ ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡ଼ର୍ସ ସମସ୍ତେ VVIPs ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ ହବ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସୋ ଦେଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଫେକ୍ ନାଁ ବାଲା ଆଉ ଯେଉଁ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛି ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ର ଏବେ ଯେ ଭଡ଼ା ଯେ ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସବୁ ବକୱାସ ଅଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ସୋନାପାଲିରେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ 3 ମାସ ଏ ସୋନାପାଲିରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏସ୍ପି ପାଖରେ 0 ରିପ୍ଲାଏ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକାଲିଟିରେ ବି 0 ରିପ୍ଲାଏ ଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପୋଲିସକୁ ଜଣା ନାହିଁ 90 ଡେଜ୍ରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ପଇସା ନିଅନି ତୁମର 90 ଡେଜ୍ର ଦରମା ଦେଇଦିଅ ୱାପିସ୍ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୋନାପାଲିରେ ସିମିର ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ଧରିଛି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମୋର ଆଗରୁ ସ୍ପିକର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କି ସବୁ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ପଶିବେ ଆଉ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଯେମିତି ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖରେ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜାଗାଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏଇ ପୂଜା ସିଜନ୍ରେ ଆଉ ତାଙ୍କର 100% ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଏଇ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ରାମଲୀଳାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସୀମା କଥା ଆସୁଛି ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବା କଥା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାମ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଡିସିପି ପ୍ରମୋଦ ଖୁସୱା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଆର ପରିଚୟ ନେଇ ଇଏ କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ସେ ନେଇକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସୁ ନଜର ପକାଇବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯିଶା ନାମ ମହମ୍ମଦ ଅଶ୍ରଫ କଲ ଗିରଫତାର କିଆ ଗିଆ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କି ଟିମ୍ ଜିସକୋ ଏସିପି ଲଲିତ ଓ ଏସିପି ହୃଦୟଭୂଷଣ ସୁପରଭାଇଜ କରେ ଏକ ଡିକେଡ୍ ସେ ଉପର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଁ ରହ ରହା ଥା ଔର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆକ୍ୱାୟର କି ହୋଇଛି ଇସକେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ପେ ଏକେ 47 ମ୍ୟାଗଜିନ୍ସ ପିସ୍ଟଲ ଦୋ ଔର କାର୍ଟ୍ରିଜେସ୍ ଔର ଏକ ଗ୍ରେନେଡ୍ ରିକଭର କିଆ ଗିଆ ହେ ଇସେ ଇନିସିଆଲ ଯୋ ପୁଛତାଛ ହେ ଉସେ ପତା ଚଲା ହେ କି ୟେ ପିଛଲେ କଇ ସାଲୋଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଁ ରହ ରହା ଥା और सबवर्जिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट का और अभी फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी जगह नहीं बताई गई थी बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था
इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आईडी एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसका जो आईडी कार्ड है वो उसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था वहां पर भी जी, वहां से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी, जहां कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये विशाल वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की थी। तो ये सारी चीजें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होंगी आपके साथ आएंगे। बट ये है और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहां जहां से इसको मिले हैं या जहां से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जिस जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। देखिए मैंने कहा आपसे कि ये कई सारी इसने जो बताया है इनिशियल स्टेज है, इसने जो बताया ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी, तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। ये भारत में कब दाखिल हुआ था? देखिए मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये इसको इंडिया में रहते हुए एक डेकेड से ऊपर हो गया है। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहां का रहने वाला है ये। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसका दो भाई हैं इसके और इसकी तीन सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला है। अपने सुनते ये दिल्ली स्पेशल सेल डीसीपी प्रमोद खुशवाह जहाँ सूचना दौले ये किभली भाव पाकिस्तान आसला, पाकिस्तान पटर पंजाब ये रोला सेठे यार परिवार लोक केमी थे और जहाँ बड़ अपडेट आसूसी ये दशम पास करने ही आपको आईएसआई टार्गेट करता आपको आईएसआई नहीं कि ट्रेनिंग देता ट्रेनिंग देवापर भारत पठाई और भारत पठाइबार माध्यम कौन थी ना बांग्लादेशर बॉर्डर तापर पश्चिमबंग सिलीगुड़ी बिहार तापर आसिकी दिल्ली बड़ योजना था बड़ प्लां था एक दशंधि अधिक समय धरी रोला। प्रभात पंडा कर्नेल प्रभात पंडा आम सहित जोड़ी रही सुक्त पंडा आप शुणुते प्रेसमिट्रे कि भावे से तार मोडेस अपरांडी जहाँ चलता कि बड़ प्लां कर सब बड़ कथा है ये मौलाना था ये धर्मांतरीकरण करूला सहित एक युवती को भारतीय युवती को बहुत कर भारतीय पासपोर्ट पाइबापी ये बड़ प्लां या आपंट देखुं एक्चुअली जो जगार आसिक दस वर्ष है मु आगु भी कही आपणम पुणी कौच प्रत्येक से ही इलाका रे प्रत्येक मास मिनिमम हाफ इयरली रे इनक्रीज ऑफ न्यू पॉपुलेशन जमी आम नॉर्थ ईस्ट जिते बेले जलुला मु से समय कैप्टेन थी जमी करा होता दैट इज समस्त सेग्रिगेट करी एही गाँव किए नाकू अलग करी पचरा होता समस्त सेपरेट रखी आ जो मान कि आइडेंटिटी ना से धरा पड़ू आम इमिडियेटली से कथा बिकज ठीक अच्छे आमर सबू लोक खराब नुहति आमर पाखे अच्छा आमर पाखे इवेन केते परसेंटेज वाइज अन्य कंट्री रू बे आम पाखे अच्छा लोक मैंने प्रत्येक संप्रदायर तो आम से आमर हक अच्छी बीइंग ए नेशन डेमोक्रेटिक नेशन फ्री नेशन आम 100% तार विजिलेंट रहिबार कथा विजिलेंट हितले 10 वर्ष रहिकरी ये सब कांड करिन न विजिलेंट हबा कथा एही प्रसंग ऊपर मा आउक प्रतिक्रिया आपन नबा को चाहिबी। एनआरसी कथा उठितला आपन जानथिबे जे आसाम त्रिपुरा एवं पश्चिमबंग रे एनआरसी पई केते बड़ झामला होई छी केते हिंसा होई छी एबे निकट रे दुई देश राज्य रो पुलिस मध्ये मते मुहामुही स्थिति हितला एनआरसी लागू करबा विरोध रे अनेक बाहर के आसुचंती केबले लागू न करा जइबो ये लागू होइतले बरम ये 10 वर्ष जाय रही पार न थांता सेति पई तो से आइन आसीतला सेति पई ये टेररिस्ट माने सेति पई 10 वर्ष होला रही जाइचंती भारत रे कारण आगुरु सेपरी कड़ा आईन आसी ना जो आसूच एनआरसी भाई करेक्ट एनआरसी आसूच गोटे सांविधानिक होकरी सीए बट इमेजिन कि नॉर्थ ईस्ट रे मु लेट 80s रो कथा कहूँ आइडेंटिफिकेशन परेड करूँ जाकरी नो एनी माने गोटे संवैधानिक ल या कि मु तो गोटे नॉर्मल कथा कहूँ कि जो जगार आपन को आशंका है वन कैन डू दैट थिंग मुझे गोटे इलाका रोचे गोटे मोहल्ल आइडेंटिफिकेशन में किए मना कर पूरा पावर अच्छी एंड थे जी मुझे देखीदे जन को मुझे निजे क्वेश्चन कैर
तो घर कौटी कौन से तो इन आवर एंटायर ओडिशा आम संबलपुर पूरा आसिक बांग्लादेशी भरी जाइंट आई बांग्लादेशी सागर पांच छःटा रोंगियाज भी अच्छा एमतिया भी तीन चार्टा सेल अच्छा दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को समाधान करार एकदम दरकार एटा तो टिप ऑफ आइसबर्ग अच्छी जोटा हो एंटायर इंडिया से मैंने आफ्टर 71 वॉर तो जो आपर यही प्रकार आईएसआई रो ताकर जो बदला भावला दिस प्रॉक्सी वॉर टाइप स्लीपिंग सेल रखी बहुत जोर रही वी हैव टू गो फॉर इट एनआरसी ठीक अच्छे पूरा लॉजिकल किंतु टू आइडेंटिफाई के ही मना करू ना वी शुड आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करबा पई कड़ा नियम दरकार एनआरसी लागू करिवार जो प्लान करिसेंती सरकार जो योजना करिसेंती ताकू कामयाब करिवा दिगरे सेठिकार सरकार मध्ये पदक्षेप नबा दरकार आगु को आलोचना करबा ए प्रसंग रे दिल्ली अटैक पई बड़ योजना करा जाउची आईएसआई एथिरे संपृक्त अछि एवं धरा पड़िचे एक बड़ आतंकवादी समय अछि किंतु न्यूज रूम रे एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत से बड़ खबर पर चर्चा चली था आम सहित तो पूर्वतन सेना अधिकारी थे प्रभात पंडा कर्णल प्रभात पंडा ता सहित तो वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कमलाकांत दास थे सीत दास आपूर्व प्रतिक्रिया नाक चाहे ये एक बड़ अभोग आसूसी सीमा सुरक्षा ना स्ट्रंग ना एनआरसी कि एक बड़ झगड़ा चली दुई राज्य मध्य दुई राज्य जो भाव पुलिस कर्मी शहीद होते आप जानते पूरा घटना दिल्ली में ये पहुँचीगला एक दशंधि भितर कौटना कौटे आईन को लागू करार समय आसी जाइर कड़ा पदक्षेप ना दरकार देखंतु एनआरसी तो निश्चित भाव गोटे स्ट्रंग आईन रोटे प्रोविजन सेटार जिन हवा दरकार सहित आउ गोटे कथा रही बिना एनआरसी भारत पुलिस डिपार्टमेंट पाखे अधिकार थिला एबे भी अच्छी जो जगह एनआरसी इम्प्लीमेंट होनी से अधिकार अच्छी जे जो जगार संदिग्ध अपराधी रहिवार पॉसिबिलिटी अच्छी पाकिस्तान जने आसी भारतीय महिला को विवाह कर सारा पर तार अर्थ नुह पाकिस्तान पासपोर्ट देखी आसतिबो तापर भारत पासपोर्ट से नहीं जाए से कथा से विवाह करिवो नाही विवाह करिवार अर्थ हेउची जे से किभली भावरे गोटे सेफ जागा सेफ हेवन कोटि गोटे स्थिर भाव मानने डिस्टर्ब नक रही पार तेनाली निश्चित भाव में भारतीय पासपोर्ट रखि पाकिस्तान पासपोर्ट रखी भारतीय महिला को बहुत सहज ना आसवा बड़ कथा सुत दास ये दस वर्ष पूर्व ही भारत को आसूसी दस वर्ष पूर्व ही सेफ वे था इंडिया भितर पशापी पासपोर्ट आक्वयर करने भारतीय युवती को बहुत कर परे तांको धोखा देवाई कि बड़ अभियान थिला बड़ योजना थिला केवल ये नुह आम कहीपर दिल्ली पुलिस जहाँ रिएक्शन आसूला जे आहुरी बहुत अच्छा ये दशंधि पूर्व आसी रही से नहीं व्यवस्था कर निश्चित भाव पुलिस पाखे डेटाबेस रहा दरकार आमर जो क्राइम रो क्राइम कंट्रोल रो जो सीसीटीएनएस थिला विभिन्न प्रकार रो जिनस पीपी चिदंबरम बेल आरंभ होला तेणु भारत सरकार एवं तक आहरी स्ट्रंग करा दरकार एनआरसी सहित इम्प्लीमेंट कर आवश्यकता अच्छे कारण संदिग्ध आतंकवादी माने छद्म बेश विभिन्न नाम परिवर्तन करी सेमाने गोटे धर्म संप्रदाय आर धर्म संप्रदाय को ना परिवर्तन करिपारंती वेशभूषा परिवर्तन करिपारंती धर्मांतिकरण करिपारंती विभिन्न कार्य करिपारंती तेणु यहाँ आमर सुरक्षा व्यवस्था आहरी आवश्यकता रही आम जो पुलिस संस्था से सब कम्युनिटी सहित भल संपर्क रखार आवश्यकता सुत दास बड़ अभियोग बड़ जहाँ प्रेसमिट रु सूचना आसूच ये हवाला जरिया पैसा कलेक्ट करूला मौलाना थिला धर्मांतिकरण करूला विभिन्न मस्जिद सहित लिंक था दिल्लीर डिफरेंट जगार यार ऑपरेट करूला 80-82 पिला स्पिरिचुअल एजुकेशन दौला ता सहित ये हवाला जरिया विदेश फंडिंग होता पैसा आणुला विदेश देश आईएसआई कथा कहुच्छे अनेक राष्ट्र एथिरे संप्रक्त अछन्ति कारण जानते भारत जो भली भाव में अफगानिस्तान प्रसंगे तालिबान प्रसंगे एवं यह विश्व दरबार में उठाऊँच एथिपाई एवं आक्टिविटीज बढ़ी जाइए आतंकवादी मानकर खासकर पाकिस्तान एवं छानिया हो पड़े किंतु ताद्वारा पाकिस्तान दुई गुणा क्षति हम लाभ हेनी भारत को जिते आतंकवादी से पठेबे भारत सिस्टम ए बहुत स्ट्रंग हो जा पाकिस्तान भूली जा ये 1980 मसीहार भारत नुहे 90 मसीहार भारत नुहे तेणु ये समय रे भारत पाखे सर्भेलांस कैपासीटी बढ़ी पुलिस कैपासीटी बढ़ी आर्मी कैपासीटी बढ़ी तेणु ये परिप्रेक्षी आतंकवादी धरा पड़े पाकिस्तान समस्त जो कार्यक्रम रही पंड हो धरा पड़ू भारत सरकार आ
सतर्क होती से ही समय आमको लोक मानू नागरिक मान सतर्क रहीबार अछि कौन से संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध कार्य देखिले आम जमी आमेरिका कहते सी समथिंग टेल समथिंग तेणु से भाई भाव में आम पुलिस अधिकारी मानक खबर देवा उचित एवं पुलिस त्वरान्वित कार्य करने प्रस्तुत थी दरकार तेणु ये समय आसी केवल पुलिस जी अच्छा से संभव नुहे जे सब जगार पुलिस रे साधारण नागरिक को आमको भिजिलेंट बा आमको चौकन्ना रहिया को पड़ी बा सतर्क रहिया को पड़ी बा निहाती भाव साधारण नागरिक हिसाब से जहाँ आपते आप पॉइंट निहाती भाव यह अत्यंत निहाती ठीक ही कहते दिगरे पदक्षेप नवा दरकार अच्छी पुलिस दिल्ली पुलिस जो भाव एवं अभियान आरंभ कर बड़ सफलता मिली कर्नेल पंडा आपको गोटे बड़ अपडेट जानवाक चाहिए आप जानते हैं जम्मू काश्मीर में 90s जम्मू काश्मीर एवं जम्मू काश्मीर भितर अनेक तफात रही खासकर जो काश्मीरी पंडित कथा कहुच्छे से घर बाउड़ा होकर जो जगह संपत्ति बाड़ी अच्छी से पाई फेरी पाई एने सरकार योजना करते जानते एक सप्ताह मध्य से कि भाव आतंकवादी गतिविधि बढ़ी नॉर्मल सिटीजन जो मैंने अच्छा कॉमन पब्लिक को टारगेट करना ऑपरेशन आरंभ कर पाकिस्तान रक्तमुखा हो पड़ी कि टू फैक्टर्स गोटे तो हूँ आप पाकिस्तान पॉइंट आने आ गए हूँ इकोनॉमिक पॉइंट मो एप्रिल फर्स्ट वीक गोटे हप्ता पई श्रीनगर से एरिया रे थिली मु निजे ऑन ग्राउंड देखी तांकर भितरे जो नॉर्मल पब्लिक अछि तांकर किछि सरप्राइजिंग या किछि हार्टबीट नाही दिस पर्टिकुलरली जो माने जो पांचटा फैमिली जो कंट्रोल करुछंती आ तांकर सांगरे तांकर जो चेला चपेटा अछंती से मानकर पॉलिटिकल फैमिली कथा आपन कहउछ केंती करी यस आउ से माने ए धंधा सब लिप्त अच्छा जैसे आम समस्त जानी कौन कौन लैंडस्केप होता आर मेन प्राइम जगार से घर तर सब 370 गला विथ मेकिंग ऑफ केंद्र शासित जमी हो गला यूनियन टेरिटरी तो यहाँ सब इकोनॉमिक पॉइंट से गोटे गोटे सिंडिकेट करेट चाहते कि ग्रैब करके रखिए एवं सरकार योजन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पावर डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो निजे से अटेंड कली से सेमिनार सिंडिकेट से गुपकार गैंग नुह तो से गुपकार जो कमिटी अच्छी जो थे पांच दल कथ कौन आप यहीपरी सिंडिकेट सी भी तो कहींपर यस यस से ही सिंडिकेट कहीं स्टार्टिंग फ्रॉम मोर जे गोटे हप्ता रहा ड्राइवर नहीं जो जहाँ सागर मु प्रत्येक जगह गली पहलगाम को आउ इंटीरियर जगह गली से तो चाहूँ शांति आतेटा जो ए इंडस्ट्री हम जो पावर प्लांट्स हम से यही सरकार जो आम अच्छा केन्द्र से वेलकम कर जो अच्छा जो मैंने से भितर जड़े अगर गले ऊपर को आउ भी सेपट को जीवाई रेडी अच्छा बाकी मैंने जो अच्छा से मैंने पॉलिटिकल होल गेम बस कि लोक मैंने मानने फ्री हवा कथ नुह लोक मैंने फ्री माइंड होती वेदर माइंड इज विदाउट फियर से काटू एवं जो वेदर सात वर्ष जो लोक कन्फिडेन्स बढ़ी जाइए लोक मैंने विथ इंडियन मेन्टालीटी विथ द गवर्नमेंट विथ द त्रिरंगा जो चलवाप रेडी होती जो दिन से नेशनल सेमिनार थिला से दिन हजारेटा नेशनल फ्लैग लगाही चारिड़े मोर निज फोटो छाड़ी थी दाल लेक रे मो पछे पूरा मोर उपरे मोर सामने त्रिरंगा पूरा उड़ूला फर्स्ट टाइम श्रीनगर रे अप्रैल 3-4-5 निहत पंडा आप कहते ये परिवर्तन हुए तो पाकिस्तान को छानिया करी जो भाव घाटी परिवर्तन आसूची केन्द्र सरकार को योजना काम करशासित अंचल है सेठे पंडित मानक सहित जो अत्याचार होता काश्मीर पंडित मानक सहित संपत्ति व्यवसाय को सी फेर पर्यटन विकास होती ये हुए तो पाकिस्तान को हताश करतीपाई आतंकी मैंने स्लीपर सेल मैंने आक्टिवेट हो जाते आम आलोचना करुले आम सहित थे वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कमलाकांत दास और आम सहित सेना अधिकारी थे पूर्वतन सेना अधिकारी कर्नेल प्रभात पंडा विशेष भाव में बड़ खबर जहाँ आसूरी राजधानी दिल्ली में बड़ आटाक करने बड़ प्लान अधिक खबर आम परवर्त बुलेटिन जारी रखू बर्तमान न्यूज रूम समय सारी यही रखु नमस्कार।